everyone, my name is Daisy and in this video I'm going to explain question number 15 of exercise 11.3 and the question is find the circumference of inner and outer circle shown in the adjoining figure. ये figure हमें given है जिसमें कुछ values भी given है. क्या given है? Outer circle की radius given है. ठीक है, suppose इसको हम R1 assume कर लेते हैं. ठीक है, R1 की वैल्यू हमें गिवन है एंड इनर सर्कल की रेडियस हमें गिवन नहीं है. तो कैसे निकालेंगे? आउटर सर्कल की रेडियस 19, इससे ये वैल्यू जो हमें गिवन है 10 मीटर. ठीक है, मींस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है. ठीक है, 10 मीटर. उसको जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इनर सर्कल की रेडियस. ठीक है, ये वाला मिल जाएगा. और सपोज अगर इनर सर्कल की रेडियस R2 है तो मींस R2 कितना हो जाएगा? R1 माइनस 10 एंड 19 माइनस 10 इक्वल्स टू 9 मीटर. ठीक है, अब जबकि हमें इनर सर्कल की रेडियस भी मिल गई और आउटर सर्कल की रेडियस भी मिल गई तो हम सर्कमफ्रेंस दोनों की फाइंड कर सकते हैं बिकॉज सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr. ओके, तो करते हैं इसको. सर्कमफेरेंस ऑफ किसकी? इनर सर्कल की पहले निकालेंगे. ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू रेडियस क्या है उसकी? R2. तो 2πr2 इक्वल्स टू 2 × π की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू R2 की वैल्यू क्या आई थी? 9 मीटर. एंड इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 18 × 3.14 विल गेट 56.52 मीटर. ये किसकी सर्कमफ्रेंस है? इनर सर्कल की. ठीक है, अब आउटर सर्कल की भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे. तो लिखेंगे circumference of outer circle equals to 2πr1 and 2 × 3.14 × R1 कितना है माना? 19. एंड इसको कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट 119.32 मीटर. ओके, तो दोनों सर्कल की हमें क्या मिल गई? सर्कमफ्रेंस जो हमसे पूछा गया था. ओके, मेन पॉइंट इसमें यही था कि हमें कैसे इनर सर्कल की रेडियस को फाइंड करना है. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा. अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए. थैंक यू.